छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल में पीएचक्यू के पास बटालियन के बाहर फायरिंग कर दी। उसने करीब 12 राउंड गोलियां चलाई, हालांकि इस दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर राखी थाना पुलिस और अफसर मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी राकेश यादव CAF 40 बटालियन का जवान है। उसकी बटालियन की कैंटीन में संतरी ड्यूटी लगी हुई है। वहां सुबह करीब 6 से 9 बजे तक ड्यूटी खत्म कर बटालियन लौट रहा था। ड्यूटी से लौटने के बाद वह बटालियन में ही बाहर चबूतरे पर बैठ गया, फिर करीब 10 मिनट तक चिल्लाता रहा और साथियों को अलर्ट करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। अचानक बटालियन के पास फायरिंग की आवाज सुनकर साथी जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे। आरक्षक राकेश यादव से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, सुनिए। एक घटना भी हम लोग के सामने आई है, उसमें एक कहीं जवान द्वारा गोली चलाई गई है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। घटना की जांच जो है संबंधित बटालियन के लोग कर रहे हैं, उसमें जो भी फैक्ट आएगा उसके हिसाब से। किसी के हताहत होने की खबर या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कोई एक्सीडेंटल फायर की सूचना है जिसको हम लोग देख रहे हैं।